Kemar. So now I call Yushra and Ujma of class 4th, who are going to give a speech on a girl child and woman empower. Good morning everybody. My name is Yushra. I study in class 4. Today I am reciting a poem on a heart-touching issue, girl child, the chosen one. Ma, मैं तेरी आंखों का तारा बनके झील मिलाना चाहती थी. माँ, मैं जीना चाहती थी. Don't kill me, माँ. Don't kill me. The hag that rocks the cradle, the mother of tomorrow. A girl shapes the destiny of civilization, but the magic is gone the day she is born. The woman who bought her for months always prays for sons. She is load too heavy as a mother considers her a levy. Blessings are elders are for a male. What is the fate of the female? She says to everyone, I want to live, I want to live. I have so much love to give. But why she hated by the society? She is also created by Almighty. I want to ask people today. They love to have a boy. Remember, girls are future for every nation. They God's beautiful creation. Please, don't put me down because I am a girl. I need to be me because I am a girl. Invest in me, invest in future. Give me a chance. I want to live and not kill in the war. माँ, तेरी सासों से मेरी सांसें चलती रही, पर पता नहीं क्यों आज सासों का आना बंद सा हो गया. एक रूह थी मैं तेरे जिस्म की, पर पता नहीं क्यों इस रूह जिस्म से जुदा हो गया. माँ, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती थी. माँ, मैं जीना चाहती थी, मैं जीना चाहती थी. सेव द गर्ल चाइल्ड. थैंक यू. Good morning to respected director sir, principal sir, teachers, parents and my lovely friends. I am Ujma from class 4th. Today I am going to say about woman empowerment. Aaj ki hamari ladai. Ji, haan, hamari ladai. Meri behno, meri sakhiyo, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, क्योंकि सब कहते हैं भारत बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन क्या लोगों की सोच ने तरक्की की है? जी नहीं, क्योंकि आज भी इतने लोग हैं जो अपनी बेटियों के पढ़ाई के खिलाफ है. मुझे उन सब लोगों से ये सवाल है कोई जब औरत की लंबी जबान के लिए तो हर कोई शिकायत करता है, तो फिर कोई गूंगी लड़की से शादी करने के तैयार कोई क्यों नहीं होता है कोई जब उनके पास. आज भी इतने लोग हैं 21 साल तक टीवी, सोफा, बेड, वॉशिंग मशीन, फ्रिज नहीं खरीदते. आपको पता है क्यों? मैं बताती हूँ. बेटों के शादी का इंतजार करते और हम कहते अपना देश बहुत आगे बढ़ गया. एक फेसबुक के सीईओ जकबर्ग ने अपनी बेटी के पैदा होते ही 99% दौलत दान करी. यहाँ बाप अपने देश का पैसा जोड़ने के लिए अपने गंजी तक पहनना छोड़ देता है. अजीब रिवाज है हमारे मुल्क का, नियत आदमियों की खराब होती है और घूंघट औरतों का निकलवाते हैं और हम कहते अपना भारत बहुत आगे बढ़ गया है. अरे बहन बेटे को तो छोड़ो, लोग तो स्वार्थ के लिए अपनी माँ को भी भूल जाते हैं और उनका बंटवारा कर लेते हैं. अगर मैं माँ के बलिदान की बात करूँ तो बहुत देर लग जाएगी, लेकिन दो सब जरूर कहूँगी उन बेटों के लिए जिन्हें माँ का मतलब नहीं पता. इसी रात को सबके खाने के बाद एक दिन रसोई में अपना खाना खुद ढूंढो. माँ क्या होती है समझ जाओगे. माँ को कभी बुखार भी आ जाए और उसके बेटों को पता चले तो क्या बोलेगी? बेटा खाना बना रही थी इसलिए गर्म हूँ. अब हमें पुराना रीति रिवाज तोड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा और ऐसा कर गुजरना होगा. हर बाप और हर माँ ये कहे मुझे मेरी बेटी पर गर्व है, अगले जन्म में मुझे बेटी ही चाहिए. एंड आई थिंक वुमन आर फुलिश टू थिंक दैट दे आर इक्वल टू मैन बिकॉज दे आर सुपीरियर देन मैन एंड हैड ऑलवेज बीन. थैंक यू.